बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके लिए वाइट चिकन स्मोकी कढ़ाई बना रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस। और ये 2 किलो चिकन की परफेक्ट जो है ना वो कढ़ाई आपको बनाना सिखा रही हूँ। आपने इसको अच्छी तरह वॉश कर लेना है, इसमें फिर आपने 3 मीडियम साइज़ के प्याज को ग्राइंड कर लेना है, वो इसमें ऐड कर लेना है। आपने लो फ्लेम पर रखना है और इसमें आपने 1 गिलास पानी ऐड कर देना है। और इसके बाद इसको ना आपको भूनने की ज़रूरत है ना इसको फ्राई करने की ज़रूरत है। इसमें आपने 1.5 कप के करीब ऑयल या घी, बटर, जो आपको पसंद है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर आपने इसको 5 से 10 मिनट के लिए कवर कर देना है, तो जो इसका कलर है वो फुल वाइट हो जाएगा, रेड से वाइट की तरफ चला जाएगा। इसके बाद हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है और साथ ही 1 कप दही शामिल करना है। लहसुन अदरक आपने 6-7 जवे लेने हैं और 3-4 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लेना है और इसको कर लेना है ग्राइंड। इसके बाद ये आ जाते हैं साबुत मसालों की तरफ। सफ़ेद दक्कनी मिर्च होती है वो लेनी है, आपने ज़ीरा लेना है 2 टेबल स्पून और आपने धनिया लेना है 2 टेबल स्पून। ये तीनों चीज़ें वाइट कढ़ाई की जान है और इससे टेस्ट जो है ना आला हो जाता है। हरी मिर्चें ले लेनी है आपने इनको 6 से 7 अदद। इन तीनों चीज़ों को जो मैंने आपको अभी मसाले बताए हैं इनको तवे पर हल्का हल्का ना भून लेना है और इसमें आपने फिर इसको ग्राइंड कर लेना है मोटा मोटा। हरी मिर्चों को भी आपने मोटा मोटा ग्राइंड कर लिया। फिर ये 2 चीज़ें वो वाइट वाइट आपको नज़र आ रही हैं, इसमें ये नमक है 1 चम्मच और 1 चम्मच नारियल का जो पाउडर होता है, बूरा सा जो होता है, बाज़ार से मिल जाता है, कोकोनट पाउडर कहते हैं इसे, वो आपने लेना है। और इसके बाद चिली फ्लेक्स लेनी है 1 चम्मच। और ये सारी चीज़ों को आपने जो चिकन हमारा पक रहा है उसमें शामिल कर देना है। और अब आपने इसकी भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद इसमें जो खुशबू अरोमा आएगा वो बहुत ही मज़ेदार होगा। यहाँ पे हमने स्प्रिंग ऑनियन यानी कि हरा प्याज लिया है, 2 उसके वो जो है वो ले लें प्याज और उसको बारीक बारीक चॉप्ड करके वो इसमें ऐड कर दें। क्रीम, अब यहाँ पर क्रीम ली है मैंने 2 पैकेट यानी कि पाव के लिए है, 1/4 जो केजी होता है वो हमने लेना है। अगर 1 किलो पका रहे हैं तो 1 पाव का पैकेट काफ़ी रहेगा और अगर 2 किलो पका रहे हैं तो 2 पाव वाले पैकेट ले लेने हैं। अब हाँ जी, एक अहम बात, क्रीम डालने के बाद ज़्यादा पकाना नहीं है वरना वो मक्खन की तरफ चली जाएगी। क्रीम को बस मिक्स करना है और इसमें 1/2 कप आपने पानी शामिल करके उसकी ग्रेवी दे देनी है थोड़ी सी। और दहका हुआ कोयला आपने एक कटोरी में रखना है और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लेके उसके ऊपर आपने डाल देना है और कवर फ़ौरन से ढक देना है। और फिर ज़्यादा सारा स्मोक हो जाएगा, वो जब तक स्मोक नीचे ना बैठ जाए उसको आपने उठाना नहीं है। तो ये जो स्मोकी सी कढ़ाई है वो तैयार हो जाएगी आपकी और उसको गर्मा गर्म नान के साथ, चपाती के साथ खाएँ, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। और आप मुद्दतों याद रखेंगे कि ऐसी कढ़ाई कभी आपने खाई ही नहीं। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब और इंशाल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।